5 अगस्त 2019 के बाद जब धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई थी, उसके बाद एक नया जम्मू कश्मीर बनाने की कोशिश की गई सरकार की तरफ से, और जिसमें एक अलायंस बना जिसका नाम था गुपकार अलायंस। और क्या अलायंस वो आज भी सांसें ले रहा है या वो अब मरने की कगार पर आ चुका है? क्या वो अलायंस कुछ दिन और जिंदा रहेगा या फिर वो पहले से ही खत्म हो चुका है? पूरी रिपोर्ट के साथ हाजिर हूं और इस पर अंत में एनालिसिस भी किए जाएंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दो रोज पहले ही लगभग 8 दिसंबर को 7 रेजुलेशन पास किए गए हैं एनसी पार्टी की तरफ से, और एनसी वर्सेस पीडीपी इस समय कैसे चल रहा है यह भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इस समय क्या गुपकार के अंदर जो पार्टियां हैं, क्या पीडीपी और एनसी में इस समय संबंध अच्छे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, या क्या आपसी फूट ही यहां पर शुरू हो चुकी है, यह जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि क्या ये जो 7 रेजुलेशन लाए गए हैं, क्या इनमें आगे आने वाले समय में क्या इन रेजुलेशंस की वजह से कुछ हासिल होने वाला है एनसी पार्टी को, सब चीजों पर बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 7 रेजुलेशन वो कौन कौन से हैं जो एनसी पार्टी की तरफ से पास किए गए हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि शेरे कश्मीर भवन में जम्मू में ये 7 रेजुलेशन पास किए गए हैं दिसंबर 8 को, जिसमें शामिल है 370 35A फुल स्टेटहुड की रिस्टोरेशन और रिस्टोरेशन दरबार मूव की भी, और साथ ही साथ स्पेशल पैकेज टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, एम्प्लॉयमेंट मांगी गई है यूथ के लिए, इंप्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन रिकमेंडेशन इन जम्मू कश्मीर, साथ ही साथ लीगल गारंटी ऑफ मिनिमम स्पोर्ट प्राइस ऑफ क्रॉप्स, और इसके साथ जो एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइस हैं उन पर भी गौर फरमाने के लिए कहा गया है। क्या ये जो रेजुलेशन एनसी पार्टी की तरफ से लाए गए हैं, क्या ये रेजुलेशन एनसी पार्टी आने वाले समय में अपने मैनिफेस्टो में डालने वाली है? बड़ा सवाल, क्या आने वाले समय में एनसी पार्टी के मैनिफेस्टो में ये 7 रेजुलेशन देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे बड़ा रेजुलेशन जो है वो है 370 35A और स्टेटहुड का। ये 3 मुख्य रेजुलेशन है और ये 3 मुख्य चीजें हैं जो एनसी पार्टी चाहेगी कि आने वाले समय में वो रिस्टोर कर पाए। लेकिन क्या ये इस चीज की रिस्टोरेशन के लिए एनसी पार्टी सक्षम है? क्या आने वाले समय में वो जब इलेक्शंस में उतरेंगे, क्या उस समय ये रेजुलेशन वो मैनिफेस्टो में डालेंगे या नहीं, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन इस समय की बात आप समझिए कि इस समय एनसी वर्सेस पीडीपी हम क्यों कह रहे हैं और गुपकार जो है उसके बीच में कैसे फूट सी आन पड़ी है, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको यह समझना होगा कि आखिरकार यह सिलसिला शुरू कैसे हुआ। मैं आपको बता दूं कि सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर शमीमा फिरदौस 7 तारीख को उन्होंने पीडीपी पार्टी पर अटैक किया, और उन्होंने एक स्पीच के दौरान पीडीपी पार्टी को क्या कुछ बताया ये आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। और ये पहली मर्तबा नहीं है, बल्कि बीते 10 दिनों के अंदर ये दूसरी बार है जब उन्होंने पीडीपी पार्टी को टारगेट किया हो। और मैं आपको बता दूं उन्होंने अपनी स्पीच में क्या कुछ कहा है। जब वो नॉर्थ कश्मीर के हंडवाड़ा में एक स्पीच दे रही थी, तब उन्होंने कहा कि इस समय जो भी सिचुएशन जम्मू कश्मीर की है, उस पूरी सिचुएशन के पीछे जो है वो पीडीपी का हाथ है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुफ्ती सैयद जो थे उनका सपना ये था कि वो कश्मीर को बेचना चाहते हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब कश्मीर में लोग मारे जा रहे थे उस समय महबूबा मुफ्ती कहाँ थी। और साथ में ये भी कहा कि 2016 में जब वहां पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया तो कई लोग अंधे हो गए, उस समय महबूबा मुफ्ती कहाँ थी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, इससे पहले अगर बात की जाए तो एनसी प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला की बात की जाए तो चिनाब वैली में उन्होंने भी एक स्पीच देते हुए ये कहा कि जो इस समय जम्मू कश्मीर की स्थिति है, और साथ ही साथ
जम्मू कश्मीर में बीजेपी का जो गढ़ इस समय बना हुआ है खासतौर पर जम्मू में, उसकी एंट्री जो देने के लिए उसके पीछे बताया, वो बताया कि बीजेपी की जो इस समय एंट्री हुई है जम्मू कश्मीर में, उसके पीछे भी पीडीपी का ही हाथ है, और जो इस समय करंट सिचुएशन बनी हुई है उसके पीछे भी उन्होंने पीडीपी को ही बताया। साथ ही साथ अब आप देखिए कि गुपकार अलायंस जो बनाया गया था उसके पीछे पीडीपी और एनसी, ये दो पार्टियां थी जो कि की पार्टीज हैं, और अगर इन दोनों पार्टीज में आपस में फूट पड़ेगी तो फिर आने वाला भविष्य गुपकार का क्या होगा, या बाखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, इन्होंने अपनी जो पार्टियां हैं उनसे ये कहा है कि पब्लिकली एक दूसरे पर अटैक ना करें, पब्लिक में एक दूसरे का नाम ना लें, पब्लिक में एक दूसरे की बुराइयां ना करें तो ज्यादा बेहतर है। साथ ही साथ और ये भी कहा है कि फेवर करें और आपसी तालमेल रखें ताकि हम बीजेपी के अगेंस्ट खड़े हो सकें। और 5 दिसंबर को जिस समय शेख अब्दुल्ला जी की बर्थ एनिवर्सरी थी, उस समय भी फारूक अब्दुल्ला ने लोगों से ये कहा कि आपसी जो है यूनिटी बनाकर रखें ताकि जो 2019 में सरकार ने डिसीजन लिया है उसे हम वापस लेने में सरकार के आगे एक साथ यूनिटी में मांग कर सकें। इससे यह साबित होता है, इन सब चीजों से यह साबित होता है कि दोनों तरफ से आप देख रहे हैं इस समय एनसी और पीडीपी दोनों ही पार्टियों में आपसी वॉर इस समय चल रही है। जब भी कहीं पर भी कोई रैली होती है तो एक दूसरे की जो बुराइयां हैं वो की जाती हैं, एक दूसरे की टांग खींची जाती है, एक दूसरे के पुराने जो काम किए हैं उस पर सवाल उठाए जाते हैं। तो ये साबित करता है कि आपसी मतभेद बहुत ज्यादा है और पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मीडिया में और बाहर खुलकर सामने कुछ भी नहीं आ पा रहा। लेकिन इसके पीछे, पर्दे के पीछे बहुत सारी बातें चल रही हैं, पर्दे के पीछे बहुत सारी नाराजगी है, पर्दे के पीछे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ये सामने नहीं लाना चाहते हैं, और इसके पीछे का कारण यही है कि गुपकार को जिंदा रखना। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि क्या गुपकार सांसें ले भी रहा है या वो मर चुका है। इसके साथ आपको ये भी बता दूं कि 2020 में जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के पोल्स हुए थे जम्मू कश्मीर में, तब मैं आपको बता दूं कि गुपकार भारी मात्रा में जीत हासिल करने में सक्षम रहा था अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में और मैक्सिमम सीट्स जीती थी। लेकिन अगर गुपकार टूट जाता है तो क्या भविष्य होगा इनका, क्या ये एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ खड़े हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्या या फिर एक दफा फिर से जम्मू कश्मीर में बीजेपी प्लस एनसी इज इक्वल टू बहुमत, या फिर पीडीपी प्लस बीजेपी इज इक्वल टू बहुमत, और एनसी प्लस पीडीपी इज इक्वल टू बहुमत तभी हो पाएगा जब इनके आपस में जो मतभेद हैं, जो पर्दे के पीछे एक दूसरे के साथ मतभेद हैं, पब्लिकली जब ये बोलने से चूकते नहीं है एक दूसरे के लिए, तो ये चीजें साबित करता है कि क्या इनके आपसी रिश्ते सही हैं। क्या मीडिया में तो आप कह देते हैं जिस समय भी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है कि गुपकार अलायंस बनाया है और बीजेपी के खिलाफ हम खड़े हैं, भी आपका जो संबंध है वो ठीक भी है या नहीं। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि महबूबा मुफ्ती ने अपने पार्टी वर्कर्स को कहा है कि किसी भी प्रकार का रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है और किसी प्रकार की भी कोई स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है और किसी भी चीज पर रिएक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो भी बयान एनसी पार्टी या एनसी लीडर्स की तरफ से दिए जाते हैं उस पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, और इस चीज का साफ तौर पर हिंट मिलता है कि महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह से अभी कोई भी टिप्पणी ना दें किसी प्रकार की, मुफ्ती को कहीं ना कहीं अभी भी उम्मीद है कि गुपकार ही एक ऐसा फॉर्मूला हो सकता है बीजेपी के खिलाफ, और ताकि बीजेपी जो है वो जम्मू कश्मीर में अपना चीफ मिनिस्टर ना खड़ा कर सके। लेकिन ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा कि
इन दोनों पार्टियों के बीच में जो इस समय मतभेद चल रहे हैं, इसका आने वाले समय में रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि गुपकार अलायंस 2019 के बाद बनाया गया था और गुपकार ही एक ऐसा विकल्प है इन पार्टियों के पास एकजुट होकर, ताकि ये बीजेपी के खिलाफ बात कर सके। लेकिन जब ये एकजुट ही नहीं रहेंगे तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि गुपकार शायद सांसें ले ही नहीं रहा है, गुपकार केवल ऑन पेपर्स रह चुका है, या फिर गुपकार खत्म होने वाला है और वो लास्ट स्टेज पर है और इसके बाद ना ही गुपकार का नाम लिया जाएगा और ना ही गुपकार की बात की जाएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सियासत तेजी के साथ बदलती हुई नजर आ रही है। आप देख रहे हैं किस तरह से जो एनसी के लीडर थे वो किस तरह से बीजेपी में शामिल हुए, आपने देखा पीडीपी से कई लीडर जो हैं वो अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी अन्य पार्टियों में शामिल हो चुके हैं, और क्या आने वाले समय में इनके और लीडर जो हैं वो दूसरी पार्टियों में शामिल हो जाएंगे। फिलहाल अगर पीडीपी पार्टी की बात की जाए तो पीडीपी पार्टी का हाल तो बहुत खराब है जम्मू कश्मीर में, और खासतौर पर जम्मू की बात की जाए तो जम्मू में तो पीडीपी पार्टी अब यूं कहेंगे कि खत्म सी हो रही है। तो एनसी पार्टी का अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एनसी पार्टी में अभी भी कुछ लीडर हैं जो जम्मू में भी सियासत खेल सकते हैं और जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शंस लड़ सकते हैं। लेकिन अगर क्या इनमें से कुछ लीडर्स अगर स्विच करते हैं किसी और पार्टी में तो भी एनसी का भविष्य क्या होगा, और क्या एनसी पार्टी जो इस समय रेजुलेशन इन्होंने जो लाए हैं साथ, क्या वो रेजुलेशन ये अपने मैनिफेस्टो में डालने वाले हैं, और क्या 370 और आर्टिकल 370 और 35A और फुल रिस्टोरेशन के नाम पर, जो कि स्टेटहुड का रिस्टोरेशन मांगा है इन्होंने, क्या उसके नाम पर ये जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस लड़ेंगे, और क्या अगर ऐसा होता है कि अगर एनसी एक तरफ है और बीजेपी एक तरफ है जिस तरह से आपने पहले की सरकार में देखा, तो क्या एनसी प्लस बीजेपी इनको आपस में हाथ जोड़ने पड़ेंगे, हाथ मिलाने पड़ेंगे, या फिर क्या पीडीपी प्लस बीजेपी एक दफा फिर से आपको देखने को मिलेगी। हालांकि महबूबा मुफ्ती का एक बयान ये भी सामने आ चुका है, जिस समय अलायंस में थे उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने यह साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी के साथ जाकर मेरी ये सबसे बड़ी गलती थी, तो क्या ये गलती एक बार फिर से देखने को मिलेगी। और अगर दो मिनट के लिए अगर आप बीजेपी को साइड पर रख दें और एनसी और पीडीपी की ही बात करें, तो क्या पीडीपी पार्टी और प्लस एनसी ये दोनों सरकार बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए इनको आपसी जो इनकी इस समय फूट देखने को मिल रही है, क्या वो फूट आने वाले समय में और ज्यादा अलग रंग लेगी, या फिर क्या वो फूट यहीं पर खत्म हो जाएगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि गुपकार का कल क्या होगा, जिसको बड़े दावे के साथ गुपकार के लोग कहते हैं कि हम गुपकार डिक्लेरेशन दे रहे हैं और हमारा एक संगठन है, क्या यह संगठन जल्द ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में जो मेजर पार्टीज थी वो बीडीपी और साथ ही साथ एनसी थी, और अगर एनसी और पीडीपी पार्टी के बीच में आपसी फूट पड़ जाएगी तो गुपकार का तो कहीं पर नाम ही नहीं रहेगा। देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि आने वाले समय में क्या भविष्य होता है एनसी और पीडीपी के याराने का, जो इनका प्यार जो गुपकार के जरिए छलकता है, आने वाले समय में क्या ये प्यार बरकरार रहता है या फिर गुपकार के ही टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए चैनल 1, फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।